हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चना फैशन डिजाइनर। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, एक बहुत ही आसान सा बुनाई डिजाइन लेकर आई हूँ। बिगनर्स इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत आसान सा डिजाइन है। जस्ट 4 रोज का निटिंग पैटर्न है। 4 रोज जो मैं आपको बताऊंगी, यानी कि 4 सिलाइयों का ये बुनाई डिजाइन है। जो 4 सिलाइयां मैं आपको बताऊंगी, वो 4 सिलाइयां आपको बहुत ध्यान से देखनी है। एक भी रो आपको स्किप नहीं करना है। जो लोग वीडियो को कट कट करके देखते हैं, वीडियो को कट करके मत देखिएगा, फुल वॉच कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट है बिगनर्स स्पेशल, ठीक है। तो यहाँ पे डिजाइन पैटर्न की जो फर्स्ट रो है वो आपको फ्रंट साइड से स्टार्ट करनी होगी। और इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो है स्टिचेस 4 के मल्टीपल में लेने होंगे, यानी कि 4 के कोने में 2 फंदा एज स्टिच का एक्स्ट्रा रखना होगा, फ्रंट का और लास्ट का। 4 रोज का डिजाइन है, 4 सिलाई ध्यान से देखना। पैटर्न की फर्स्ट रो हमारी फ्रंट साइड से है, तो मैं यहाँ पे अभी फ्रंट साइड से हूँ। तो पहला फंदा देखो इस तरह से मैं एज स्टिच का सीधा बना लूंगी, क्योंकि फर्स्ट रो है इसलिए मैं इसे स्लिप नहीं करूंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो नेक्स्ट फंदा है, अब धागा अपनी तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो फंदा है इसे उल्टा बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट फंदे को भी उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ देखिए एक एक करते हुए पूरी रो हम उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सभी फंदों को एक एक करके हम उल्टा बनाएंगे। इस तरह से देखिए फ्रंट साइड से फर्स्ट रो पूरी उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने पूरी रो उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर ली। धागा पीछे ले जाके एज स्टिच को सीधा बना देंगे। सॉरी गाइज, यहाँ पे क्रैकर्स चल रहे हैं, पटाखे, दिवाली आ गई है ना, इसलिए। तो यहाँ पे सेकंड रो पे आ गए रॉन्ग साइड से। पहला फंदा स्लिप करके धागा ले जाएंगे पीछे। अब देखिए क्या करना है, ये जो फर्स्ट स्टिच है ना, इसको हमें 1 से 3 बनाना है। 1, धागा घुमाया, 2, और ये 3। अब धागा अपनी तरफ लाके यहाँ से देखिए 3 फंदे है ना, इन 3 फंदों को 3 का 1 करना है ऐसे, बस। फिर धागा पीछे, फिर यहाँ 1 फंदे से 3 फंदे बनाने हैं। 1, 2, 3। धागा अपनी तरफ, 3 फंदों का फिर करना है। धागा पीछे 1 से 3। देखिए धागा अपनी तरफ रहेगा, एज स्टिच उल्टा। अब देखिए पहला फंदा स्लिप करके पैटर्न की थर्ड रो, पूरी रो जो है हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। रो 1 की तरह बनेगी रो 3, इस तरह से। ये देखिए अब आ गए हम अपने रॉन्ग साइड, रो नंबर 4। पहला फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 का 1 करेंगे पहले। तीन का एक, धागा पीछे 1 से 3। तीन का एक, 1 से 3। ये देखिए
ये चार सिलाइयां हमने बना के कंप्लीट कर ली। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो चार सिलाइयां बनाई है ना, यही चार सिलाइयां बार बार आपको दोहरानी है, डिजाइन पैटर्न बहुत खूबसूरत बन के आएगा। और इस डिजाइन को आप ट्राई जरूर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।